हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें, ताकि आप देख पाएं हमारे सारे वीडियो सबसे पहले। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, एक दो तीन चार पाँच छह नहीं, बल्कि दोस्तों यहाँ आठ ऐसी अच्छी खबरें निकल कर आ रही हैं जो हर एक भारतीय नागरिक के लिए गुड न्यूज है, सभी देशवासियों के लिए बड़ा तोहफा है। पीएम मोदी गवर्नमेंट की तरफ से नए साल पर यानी आज 1 जनवरी 2019 से ही सभी देशवासियों के लिए आठ बड़े तोहफे दिए गए हैं। एक एक करके सभी को जान लेते हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर के प्राइस सहित टोटल आठ बड़ी और अच्छी खबरें निकल कर आ रही हैं, तो यहाँ ध्यान से इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहली खबर, आप देख सकते हैं खुशखबरी, 2019 में 16 रुपए तक सस्ता हो सकता है पेट्रोल। अभी के क्या रेट चल रहे हैं वो भी जान लेते हैं। लेकिन दोस्तों 2019 में क्या सिचुएशन चल रही है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ दिनों पहले तक आपको पता होगा पेट्रोल 90 रुपए तक भी पहुँच गया होगा, लेकिन उसके बाद पेट्रोल के दामों में लगातार गिरावट देखी गई और पेट्रोल काफी हद तक गिरा भी। लेकिन दोस्तों अभी भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल जो $85 प्रति बैरल से घटकर $50 प्रति बैरल हो गया, जो और भी ज्यादा घटकर $47 प्रति बैरल हो सकता है। तो ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर यही सिचुएशन चलती रही तो 2019 जनवरी या फरवरी में आपको पेट्रोल 16 रुपए सस्ता देखने को मिल सकता है। और दोस्तों अपन अगली सात बड़ी खुशखबरियों को जाने, तो इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से हमारा मोटिवेशन मनोबल बढ़ता है, आपको और अच्छी अच्छी खबरें रोजाना मिलती रहेंगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए बात करते हैं अगली अच्छी खबरों की। दूसरी अच्छी खबर निकल कर आ रही है, आप देख सकते हैं पेट्रोल डीजल में आज भी कुछ कटौती हुई है। और आज के नए रेट्स की बात करें तो दोस्तों आज जो है जनवरी 2019 के सबसे निचले स्तर पर पेट्रोल के दाम पहुंच चुके हैं। पहले 90 थे और अब 68 की सीरीज तक आ गए हैं। और अब डीजल भी पिछले 9 महीनों में सबसे ज्यादा सस्ता हुआ है। तो आज की कीमत क्या है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं दिल्ली स्टेट के प्राइस पेट्रोल का भाव 68.65 रुपए प्रति लीटर है और डीजल का भाव 62.66 रुपए प्रति लीटर है। और इसके अलावा भी आप अलग अलग राज्यों के पेट्रोल डीजल के रेट देखना चाहते हैं, तो दोस्तों मैं यहां पर एक लिंक डाल दूंगा जो IOC की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आप अपना राज्य सिलेक्ट करके देख सकते हैं। ओके, और बात करते हैं आज की तीसरी बड़ी खबर क्या निकल के आ रही है, जो देशवासियों को नए साल का तोहफा सरकार की तरफ से आज सस्ती हुई हैं 23 चीजें। जी हाँ, सभी को पता होगा हाल ही में जो GST की बैठक हुई है उसमें जो निर्णय लिए गए वो आज यानी के 1 जनवरी 2019 से लागू होने जा रहे हैं। और ऐसे में सिनेमा टिकट, टेलीविजन, मॉनिटर, पावर बैंक, फ्रोजन सब्जियां, मार्बल के टुकड़े वगैरह वगैरह सहित कुल 23 चीजों के ऊपर से GST का दर घटा दिए हैं और ये चीजें सस्ती हो चुकी हैं, और आप इनकी पूरी लिस्ट भी देख सकते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं आज की चौथी बड़ी गुड न्यूज खुशखबरी की। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे जन औषधि केंद्र खोलने के लिए सरकार दे रही है 2.5 लाख रुपए की सहायता। मार्च तक 478 केंद्र खोलने के लिए कर सकते हैं अप्लाई। जी हाँ, मैंने सुबह बड़ी खबरों में भी यह अपडेट दिया था, उसके बाद भी आप जैसे भाइयों बहनों ने नीचे कमेंट करके पूछा, तो मैं आपको बता देता हूँ ये जो स्कीम है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस की गई है, और इसमें आपको 2.5 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी अगर आप भी सरकार की तरफ से ऐसे जन औषधि केंद्र खोलते हैं। तो दरअसल यह दवाओं वाले केंद्र होते हैं जिस तरह से मेडिकल शॉप होती है उसी तरह से, लेकिन गवर्नमेंट के थ्रू लगाए जाते हैं और इनमें सब्सिडी वगैरह भी मिलती है। कम खर्चे पर आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं, इसके लिए ऑफिशियल लिंक है janaushadhi.gov.in, इसके ऊपर आप ज्यादा डिटेल्स गेट कर सकते हैं और यहाँ से आप अप्लाई भी कर सकते हैं इसके लिए। और अगली खुशखबरी निकल कर आ रही है, एक गाड़ी पर पर्सनल एक्सीडेंट बीमा लिया तो दूसरी गाड़ियों पर जरूरी नहीं है। जी हाँ, अगर आपके घर में दो मोटरसाइकिल हैं या एक मोटरसाइकिल एक कार है या कुल मिलाकर एक से ज्यादा वाहन व्हीकल हैं, कुछ भी हो, तो आपके लिए काफी अच्छी गुड न्यूज है। जनवरी 2019 से वाहन को लेकर नए नियम लागू हो चुके हैं और इसमें आपके पास एक से ज्यादा वाहन है तो हर वाहन के बीमा में अलग अलग पर्सनल एक्सीडेंट बीमा नहीं लेना होगा। सिर्फ एक वाहन में यह कवर लेने से बाकी वाहनों में भी यह मान्य होगा। और आज की अगली खुशखबरी निकल कर आ रही है, सोना हुआ सस्ता, 370 रुपए टूट कर एक सप्ताह के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया, चांदी भी लुढ़की है। तो ऐसे में आज के सोना चांदी के भाव की बात करें तो सोना 370 रुपए टूट कर 32,270 प्रति 10 ग्राम पर आ गया, वहीं चांदी 125 रुपए फिसल कर 39,100 रुपए प्रति किलो पर आ गई। आज की अगली खुशखबरी दोस्तों आज के गैस सिलेंडर के भाव को लेकर निकल कर आ रही है, सबसे बड़ी और इससे अच्छी खुशखबरी है उपभोक्ताओं को नए साल का गिफ्ट है। दोस्तों इसकी कीमत में काफी अच्छी बड़ी कटौती देखने को मिली है और अब इतने का पड़ेगा एक सिलेंडर। जी हाँ दोस्तों, 31 दिसंबर 2018 की रात 12 बजे से नए रेट लागू हो चुके हैं और ऐसे में आप यहाँ देख सकते हैं सब्सिडी वाला सिलेंडर जो है वो 5.91 रुपए सस्ता हुआ है और बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत 120.50 रुपए तक घटी है। और उसके बाद 1 जनवरी से गैस सिलेंडर के कहाँ क्या रेट है, तो यहाँ आप देख सकते हैं इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ आफ्टर सब्सिडी, सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत ये है आफ्टर सब्सिडी के बाद, और बिना सब्सिडी वाले की कीमत ये है जो कि राइट साइड में है। आप स्क्रीन इंडेक्स में आप देख रहे होंगे दिल्ली में सब्सिडी वाला सिलेंडर मिलेगा 494.99 रुपए में, वहीं दिल्ली में बिना सब्सिडी वाला मिलेगा 689 रुपए में। तो दोस्तों दिल्ली सहित कोलकाता, मुंबई और चेन्नई इन स्टेट की LPG प्राइस के रेट लिस्ट दिए हुए हैं। और भी कुछ अलग राज्य के आप चेक करना चाहते हैं तो IOCL की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप ये चेक कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा,
और आपका इस बारे में क्या विचार है, ये हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा।